नमाज कायम रखो। अब उस वक्त तक नमाज पंच वक्ता तो नहीं आई थी, लेकिन रात की नमाज को हल्का करके, पहले तो ये था वही रात की नमाज एक तिहाई दो तिहाई या कम से कम एक तिहाई या निस्फ या दो तिहाई, ये ऊंचा दर्जा है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ कमी करके सुबह और शाम की नमाजों का फजर और असर तो नमाज को कायम रखो। इन सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यकीनन नमाज जो है बेहयाई के कामों से और मुनकर चीजों से रोकती है। अब कौन सी नमाज रोकेगी? हमारी नमाज नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? हमारी नमाज की रूह मौजूद नहीं। रूह तो क्या दूर आएगी, हमें तो यही पता नहीं होता हम पढ़ क्या रहे। याद है बस पढ़ लिया जल्दी से जल्दी 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 किया हो अल्लाह का फैसला। और चूंकि उस वक्त उसका आपका जहन जो है वो इस काम में मसरूफ ही नहीं है कि वो समझे कि आप क्या कह रहे हैं, लिहाजा खाली जहन तो रह नहीं सकता। उस वक्त आपके जहन में सब मसाइल आ जाएंगे, दुकान में फला चीज कम हो गई थी मुझे खरीद के लानी थी, फला मामला ये था, फला जो है जो अफसर ने वो फाइल के बारे में कहा था वो अभी तक तलाश नहीं हो सकी है, वो करनी वो आ जाएगी। जब आपका दिमाग नमाज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो वैक्यूम रह नहीं सकता इस दिमाग में, फिर वो चीजें आपकी आए, उसी के ऊपर आप खड़े होकर जबान आपकी पढ़ रही होगी और दिमाग कहीं और होगा, लेकिन नमाज की रूह मौजूद हो, उसमें हुजूर हो कि मैं खड़ा हूँ अल्लाह के हुजूर में, सजदा करे तो महसूस करे कि मैंने अल्लाह के कदमों में अपना सर रख दिया, ये कैफियत नमाज की है, तो यकीनन वो इंसान के किरदार पर असरअंदाज होती है।